लेकर उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूपी में एस्मा के बावजूद कर्मचारियों ने हड़ताल की। सूबे के लाखों कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया, जिसका मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। पुरानी पेंशन के लिए सड़क पर संग्राम, यूपी में पुरानी पेंशन बहाली की मांग। हड़ताल पर सूबे के 20 लाख कर्मचारी, स्कूलों से लेकर दफ्तर तक लटके ताले। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महाहड़ताल के पहले दिन इसका मिला जुला असर देखने को मिला, तो वहीं कई विभागों ने इससे दूरी बनाए रखी। बता दें कि सरकार ने बीते सोमवार को एस्मा के जरिए सूबे में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के साथ बीते मंगलवार को पेंशन से जुड़ी मांगों को भी पूरा करने का ऐलान कर दिया। 150 से अधिक संगठनों की हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला। लखनऊ, कानपुर, संभल, गोरखपुर में स्कूल से लेकर ऑफिस तक सभी जगह ताले लटके नजर आए। गौरतलब है कि राज्य कर्मचारी एक लंबे समय से 1 अप्रैल 2005 से लागू न्यू पेंशन स्कीम की जगह पुरानी व्यवस्था लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं। हमारी सिर्फ एक मांग है, पुरानी पेंशन बहाली। 1-4-2005 से पुरानी पेंशन को समाप्त करके नई पेंशन स्कीम दे दी गई है और हम उससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। आज जो व्यवस्थाएं आ रही हैं, जो पुरानी नई पेंशन में जो नियुक्त हुए थे, कुछ सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको 1000 रुपये, 800 रुपये, 900, 1200 रुपये पेंशन मिल रही है, जिससे कि हमारा गुजारा नहीं हो सकता है। हम इसलिए पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। राज्य कर्मचारी साल 2004 में लागू की गई नई पेंशन स्कीम के खिलाफ है। कर्मचारियों के मुताबिक नई स्कीम से उन्हें कोई फायदा नहीं है। कर्मचारी संगठनों के मुताबिक पुरानी स्कीम में रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी थी। वहीं नई पेंशन स्कीम के तहत कितनी पेंशन राशि मिलेगी यह भी तय नहीं है। पुरानी नीति में जीपीएफ का लाभ मिलता था, लेकिन नई स्कीम में ये सुविधा भी समाप्त कर दी गई है। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर लाखों कर्मचारी आर पार की जंग पर उतर आए हैं। अब ये जंग कहां जाकर थमेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और अब बात करते हैं कांग्रेस।